सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कश्मीर मुद्दे को उठाने पर पाकिस्तान को घेरा और कहा कि पाकिस्तान कुछ भी कहे पर जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूएनएससी में भारत ने बयान दिया है और पाकिस्तान को घेरा है। दरअसल सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कश्मीर मुद्दे को उठाने पर पाकिस्तान को घेरा है और ये कहा कि पाकिस्तान कुछ भी कहे पर जम्मू कश्मीर भारत का अखंड पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के लिए देश के गृह मंत्री ने बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया। अमित शाह ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को खुद को रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आईबी को भारत की सीमा में दहशत फैलाने वालों को सीधे जहन्नुम की सैर पर भेजवाना चाहिए, यानी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को हल करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, चाहे फिर वह अंतर्राज्यीय विवाद हो या कट्टरता हो या फिर आतंकवाद ही क्यों ना हो। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर को दिल्ली में एक बैठक आयोजन किया गया था। इस दौरान शीर्ष केंद्रीय अधिकारियों के अलावा आईबी और सभी सहायक खुफिया ब्यूरो के प्रमुख शामिल रहे।